हेलो बेटा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था मोशन के ऊपर, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर। क्या है नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है? टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मोशन के बारे में हमने पहले जो डिस्कस किया था उसमें ये डिस्कस किया था कि इफ ए बॉडी चेंज इट पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर कोई बॉडी अपनी पोजिशन चेंज कर रही है अपने सराउंडिंग को देखते हुए तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा? मोशन कहते हैं। अगर कोई बॉडी अपनी पोजिशन चेंज ना कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? रेस्ट कहा जाता है। अभी यहाँ पर हम बात करें टाइप्स ऑफ मोशन, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो टाइप्स ऑफ मोशन में बेसिकली यहाँ पर जो है वो फर्स्ट जो टाइप है जो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो टाइप है उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? रोटेटरी मोशन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है, वाइब्रेटरी, या फिर उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? ओसीलेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओसीलेटरी मोशन कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? ओसीलेटरी मोशन। तो ये हमारे पास बेसिकली तीन जो टाइप्स हैं ये हमारे पास क्या है? टाइप्स, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। अभी जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन सा बड़ा? ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन को आपके बुक के अंदर इसको कैटेगराइज किया गया है, इसको तीन तरह के मोशन के अंदर डिवाइड किया गया है। तो मतलब इस मोशन के अंदर हमारे पास डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो मतलब यहाँ पर जो हमने इसको कैटेगराइज किया है, जो फर्स्ट जो इसका टाइप बनता है उसको हम कहते हैं बेटा दैट टाइप इज नॉन द लीनियर मोशन। क्या कहा जाता है? लीनियर मोशन में इसको कैटेगराइज किया गया है। और उसके बाद इसको डिवाइड किया गया है कि इसमें बेटा हमारे पास इसको हमने सर्कुलर मोशन में डिवाइड किया है, सर्कुलर मोशन के अंदर। और तीसरा जो इसको हमने स्टडी करना है किसके अंदर? दैट इज नॉन द रेंडम मोशन। तो रेंडम मोशन के अंदर हमें इसको स्टडी करना है। तो ये हमारे पास आपके बुक के अंदर इन तीन ट्रांसलेटरी मोशन को तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसलेटरी मोशन खुद क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है क्या, उसको हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में आपके पास क्या है? बॉडी जो मूव कर रही है आपके पास, वो आपके पास उसमें क्या होना चाहिए? इक्वल एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी, पार्टिकल जो हर बॉडी का हर पार्टिकल एक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? सिंपल ये डेफिनेशन आपके पास बताई गई है कि व्हेन ऑल पॉइंट ऑफ बॉडी, व्हेन, ये आपके बुक वाली डेफिनेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ ए मूविंग बॉडी, मतलब कोई बॉडी हरकत कर रही है जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? मूविंग बॉडी मूव, वो क्या कर रही है? हरकत कर रही है। मूव यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मूव यूनिफॉर्मली, जो बॉडी हमारे पास क्या कर रही है? यूनिफॉर्मली मूव कर रही है अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ, अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब बॉडी जो है वो उसका पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मतलब ऑल पॉइंट, ये याद रखने, ऑल पॉइंट बोल रहा है, ठीक है? अब स्ट्रेट लाइन पाथ तो बोला है, स्ट्रेट लाइन पाथ हमारे पास ये लाजमी नहीं है, सेम स्ट्रेट लाइन पाथ होगा तो उसको हम लीनियर मोशन कहेंगे। स्ट्रेट लाइन एंड सच मोशन जो है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सच मोशन इज कॉल्ड ए ट्रांसलेटरी मोशन। ये जो मोशन होगी इसको हम कौन सी मोशन कंसीडर करेंगे? इज कॉल्ड ए ट्रांसलेटरी मोशन कंसीडर किया जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन हम कंसीडर करते हैं। जब ये मोशन हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है जिसमें हमारे पास क्या है? ऑल पॉइंट ऑफ बॉडी जो मूव कर रहे हैं फ्रॉम सेम डिस्टेंस एट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब बॉडी का जो, अगर फॉर एग्जांपल हम कोई बॉडी कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने क्या ली? एक बॉडी ली, ठीक है? अब इस बॉडी के हमारे पास क्या है? डिफरेंट पार्टिकल, दिस बॉडी इज मेड अप फ्रॉम डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल। जस्ट लाइक हम इसमें कोई पार्टिकल कंसिडर कर देते हैं, एक ये हमारे पार्टिकल है, दूसरा ये पार्टिकल है, वो तीसरा ये पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल यहाँ पर है, इस बॉडी को मैं क्या कर रहा हूँ? फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा? फोर्स अप्लाई करूंगा तो बॉडी क्या करेगी? यहाँ से क्या करेगी? हरकत करेगी। हरकत करने के बाद जो बॉडी एक नई पोजीशन लेगी, मतलब यहाँ से मूव करती हुई बॉडी एक नई पोजीशन ले ली। अब इसने जब नई पोजीशन ली उसमें देखना है ये कि हमारे पास क्या जो पार्टिकल थे बॉडी के एक जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है या नहीं।
मतलब इस पार्टिकल यहाँ से मूव करते हुए अपनी पोजीशन चेंज की, तो पोजीशन चेंज करते हुए एक नए पोजीशन पे आया है, तो उसने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब एवरी पार्टिकल, मतलब जितना इसने किया होगा उतना उसने किया होगा, जितना इसने किया होगा उतने एवरी पार्टिकल, अगर इधर वाला पार्टिकल देखें तो इसने इतना किया होगा जितना इसने किया होगा, तो मतलब एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे। ये लाजमी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर हो, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर हो तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा, लीनियर मोशन के अंदर कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास कोई पार्ट बॉडी में जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया इसमें क्या स्ट्रेट लाइन पाथ में, अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर है तो इस टाइप की मोशन को हम क्या कंसिडर करते हैं, लीनियर मोशन कंसिडर करते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में स्ट्रेट लाइन पाथ में हो। अगर उसके स्ट्रेट लाइन पाथ में ना भी हो तो उसमें सर्कुलर मोशन भी हो सकती है जब सर्किल के अंदर मूव कर रहा है, या फिर रेंडम मोशन भी हो सकती है। तो मतलब ट्रांसलेटरी मोशन के लिए ये लाजमी नहीं है कि पार्टिकल जो है सारे स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर ही ट्रेवल करे। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसकी एक पॉइंट आपके बुक में तो नहीं लिखी हुई, मैं आपको लिखवा देता हूँ। द ट्रांसलेटरी मोशन, द अगर इसको हम कह रहे हैं कि द ट्रांसलेटरी मोशन जो है आपके पास, ट्रांसलेटरी मोशन डज नॉट ऑलवेज ऑलवेज रिक्वायर दैट द ऑब्जेक्ट जो है आपके पास क्या हो, ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास किसमें ट्रेवल करना, मूव इन स्ट्रेट लाइन, मूव इन स्ट्रेट लाइन। मतलब ये नहीं रिक्वायर करती कि ट्रांसलेटरी मोशन जो है उसमें जो है पार्टिकल सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में हो, मतलब उनका डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल होना चाहिए चाहे वो स्ट्रेट लाइन में हो चाहे ना भी हो, तो भी हम उसको स्टडी कर सकते हैं किसके अंदर, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर। तो आपके बुक के अंदर डिफरेंस जो बताया गया उसमें हमें ये बताया गया है ए बॉडी मूव अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा तो लीनियर मोशन कहेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ एवरी मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑल पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी किसको कहते हैं बेटा, रिजिड बॉडी उसको कहते हैं जिसके पार्टिकल जो हर जगह पे क्या होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी आपके बुक में लिखा हुआ है, तो रिजिड बॉडी का मतलब फिक्स, हर जगह पे जो पार्टिकल क्या है उसको फोर्स लगाए पर उसकी शेप में कोई चेंज ना है, मतलब फिक्स पार्टिकल हो अपनी पोजिशन के ऊपर, जैसे सॉलिड में क्या होते हैं सॉलिड पार्टिकल फिक्स होते हैं ना, तो इस तरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके पार्टिकल क्या होना चाहिए, फिक्स होने चाहिए, रेजिड होने चाहिए। जैसे ये ग्रीन कलर की जो बॉडी मैंने ली है इसके पार्टिकल क्या एक जगह पे फिक्स थे, जैसे मैंने इसको फोर्स लगाया तो सारे के सारे जो पार्टिकल ए पोजीशन से कहाँ से आए, ए डैश तक पहुंच गए। तो हर पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, जिसमें आपके पास क्या है ऑल पॉइंट ऑफ द मूविंग बॉडी यूनिफॉर्मली अलॉन्ग द सेम, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पाथ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आप याद रखें, स्ट्रेट मून स्ट्रेट लाइन लाजमी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन के अंदर हो, अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा तो उसको हम किस कौन सी मोशन कंसिडर करेंगे, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन द लीनियर मोशन, या फिर इसको हम नाम देते हैं रेक्टिलीनियर मोशन का नाम देते हैं, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। तो इसको नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब पार्टिकल अगर सारे के सारे स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर है तो उस मोशन को हम क्या कंसिडर करते हैं, दैट क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन का जो पहला टाइप है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन का, ट्रांसलेटरी मोशन में लाजमी नहीं स्ट्रेट लाइन पाथ हो। अब ट्रांसलेटरी मोशन का अगर स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर है तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं, या फिर इसको नाम दिया जाता है रेक्टिलीनियर मोशन का, क्या नाम दिया जाता है रेक्टिलीनियर। अब रेक्टिलीनियर मोशन का नाम आए तो मतलब हम कह सकते हैं जो जो बॉडी हो किसमें मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर बॉडी मूव इन, बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ, जो बॉडी हमारे पास किस पाथ के अंदर मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर मूव कर रही होगी, जिसको हम क्या कहते हैं लीनियर मोशन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल ऐसे कहते हैं मोशन ऑफ बस स्ट्रेट लाइन रोड, तो इसका एग्जांपल ये बन सकता है हमारे पास मोशन ऑफ बस, मोशन ऑफ दी बस, जो बस के जो जैसे मैंने अभी ग्रीन कलर की बॉडी उसको यदि बस कंसीडर करें तो बस के जैसे पार्टिकल मूव करेंगे तो सारे के सारे पार्टिकल जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अगर बॉडी जो हमारे पास क्या है स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बस, बस की जो मोशन है वो कहाँ पर है बेटा, बस मोशन ऑफ ए बस अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन रोड, अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड,
स्ट्रेट लाइन रोड के ऊपर हमारे पास मोशन ऑफ बस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन रोड। तो ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन रोड, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट मोशन है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आपके बुक वाली डेफिनेशन वो इस तरह से लिखी हुई है कि मोशन ऑफ ए बॉडी अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड है। तो मैंने यहाँ पर लिखा बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड है लीनियर मोशन, हम कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास इसका जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट पार्ट जो है जिसको हम क्या कंसिडर करते हैं, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन द सर्कुलर मोशन। जो ट्रांसलेटरी मोशन का दूसरा जो पार्ट है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, सर्कुलर मोशन कंसिडर करते हैं। इसमें जो बॉडी सर्कुलर पाथ में होगी, पर जो एवरी पार्टिकुलर बॉडी जो ट्रेवल कर रहा होगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, जैसे मोशन ऑफ सेटेलाइट होता है। तो मोशन ऑफ बॉडी इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मोशन ऑफ ए बॉडी, जो बॉडी हमारे पास क्या है बेटा, मोशन ऑफ बॉडी अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ। जो बॉडी की मोशन हमारे पास कैसी होनी चाहिए, सर्कुलर पाथ के अंदर होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कंसिडर करते हैं। और तीसरा जो इसका जो मोशन का टाइप है, तो इसमें एग्जाम्पल जो आता है हमारे पास वो ये कि मोशन ऑफ सेटेलाइट कह लें। सेटेलाइट हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो हमारे अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट, मोशन ऑफ सेटेलाइट जो है आर्टिफिशियल कह लें या नेचुरल कह लें, मोशन ऑफ सेटेलाइट जो है हमारे पास अराउंड द अर्थ, जो सेटेलाइट की मोशन है जो अराउंड द अर्थ, ये भी हमारे पास क्या आती है, सर्कुलर मोशन के अंदर आती है। तीसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास रेंडम मोशन है, क्या है बेटा, रेंडम मोशन। तो रेंडम मोशन बेसिकली हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास जो बॉडी है वो किसमें होनी चाहिए, कि बॉडी जो है हमारे पास जिगजैग पाथ के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, या मोशन ऑफ बटरफ्लाई कह लें। तो ये सारी जो एग्जांपल हमारे पास किसमें आते हैं, रेंडम मोशन के अंदर आते हैं। और रेंडम मोशन को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर मोशन भी कह सकते हैं। कौन सी मोशन कह सकते हैं बेटा, इरेगुलर मोशन भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो मोशन हमारे पास क्या है, इरेगुलर मोशन भी कंसीडर की जा सकती है। तो रेंडम मोशन इट इज ऑल्सो नोन एज इरेगुलर मोशन, या फिर इसको हम कह सकते हैं ब्राउनियन मोशन भी कंसीडर कर सकते हैं। क्या जिसका कोई हमारे पास, क्योंकि ब्राउनियन एक साइंटिस्ट था जिसने इस मोशन को क्या किया था, डिस्कवर किया, इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ब्राउनियन मोशन भी कंसीडर कर सकते हैं। और ये हमारे पास बेसिकली क्या होती है, रेंडम मोशन का पार्ट है। रेंडम मोशन में क्या है, कोई पार्टिकल इधर ऐसे कोई पार्टिकुलर ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन पर एवरी पार्टिकुलर बॉडी जो है ट्रेवल करेगा, सेम डिस्टेंस अगर ट्रेवल करेगा तो इस टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं बेटा, इरेगुलर रेंडम मोशन कहा जाता है, या इस मोशन को जिगजैग मोशन भी कंसीडर करते हैं, जिगजैग मोशन भी कंसीडर की जाती है। तो ये जो है हमारे पास रेंडम मोशन के जो है पार्ट्स हैं। तो आज हमने डिस्कस किया किसके बारे में, ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर मोशन आता है, सर्कुलर मोशन आता है और रेंडम मोशन आता है। तो इन तीन चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास है, दैट इज नोन एज रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन जो है हमारे पास मोशन का एक टाइप है, जिसके अंदर जो है बॉडी जो रोटेट कर रही है, पर अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अलॉन्ग द स्पिन कर रही होगी, मतलब फिक्स एक्सिस के अराउंड जब बॉडी रोटेट कर रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज नोन एज ए रोटेटरी मोशन कंसीडर किया था, मतलब फिक्स एक्सिस के अराउंड जब बॉडी रोटेट करे। जैसे हमारे पास कैसे कहें, मोशन ऑफ व्हील, व्हील जो एक्सल के ऊपर रोटेट कर रहा है, जैसे स्पिनिंग होता है, स्पिनिंग जो है आपके पास हो भी आपके पास एक नोक के ऊपर क्या कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है, ठीक है। तो मीन्स रोटेटरी मोशन जो है आपके पास, जो अपने एक्सिस के अराउंड जो बॉडी क्या करे, रोटेट करे, रोटेटरी मोशन की बात कर रहे हैं। अब रोटेटरी मोशन में हमारे पास ये आता है, तो सिंपल इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है कि द मोशन ऑफ बॉडी, द मोशन ऑफ बॉडी जो है हमारे पास क्या होनी चाहिए, द मोशन ऑफ द बॉडी, वो आपके पास क्या होनी चाहिए, द मोशन ऑफ द बॉडी जो है अराउंड ए फिक्स, हमारे पास जो बॉडी है वो क्या है, फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, द मोशन ऑफ बॉडी अराउंड ए फिक्स एक्सिस, मतलब फिक्स एक्सिस के अराउंड जब बॉडी रोटेट करेगी, ठीक है, एक्सिस, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस को हमें इधर से यहाँ पर इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, एक्सिस, ठीक है, विच पास, तो एक्सिस जो पास करेगा कहाँ, बॉडी से ही पास करेगा, विच पासिस
ये किससे पास करेगा, बॉडी से, थ्रू ए बॉडी इटसेल्फ, थ्रू ए बॉडी इटसेल्फ, बॉडी से ही पास करेगा। तो इस टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं, इटसेल्फ, या इस कॉल्ड स्पिन कह सकते हैं, इस कॉल्ड स्पिन, स्पिन भी कह सकते हैं, मतलब वो चीज़ अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही है, मतलब उसका सेंट्रल पॉइंट के अराउंड वो चीज़ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। तो आर या फिर इसको स्पिन कह सकते हैं, या इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, दैट इज नोन एज रोटेटरी मोशन कंसीडर किया जाता है। कौन सी मोशन कंसीडर किया जाता है, रोटेटरी मोशन कंसीडर किया जाता है, मतलब बॉडी जो है फिक्स एक्सिस के अराउंड घूमेगी। जैसे अगर हमारे पास ये अगर व्हील है तो इसका सेंटर में क्या होता है, एक्सल होता है, तो व्हील जो है वो एक्सल के ऊपर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब फिक्स एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है, इस तरह से व्हील होता है। व्हील जो आपके पास क्या है, फिक्स एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसका एग्जांपल ये दे सकते हैं, इसका एग्जांपल, तो मतलब जो चीज़ अपने फिक्स एक्सिस, जैसे एक रॉड कह लें, अगर ये रॉड है, इसका जो एक्सिस ये होता है सेंट्रल पॉइंट, इसलिए अगर ऐसे रोटेट करी, जैसे एक पेन को लेके हाथ में आप क्या करें, अपने एक्सिस के अराउंड घुमाए, तो ये आपके पास क्या है, जो एक्सिस, जो चीज़ अपने एक्सिस के अराउंड, बॉडी के एक्सिस के अराउंड घूम रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कंसिडर करते हैं। जैसे आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया है, मोशन ऑफ फेरस व्हील में दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हमारे पास किससे हैं, रोटेटरी मोशन के आते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ, द मोशन ऑफ अ, मोशन ऑफ ए व्हील, व्हील की जो मोशन है वो किससे, अलोंग ए, अराउंड द एक्सिल, या फिर अबाउट ए, अबाउट द एक्सिल, एक्सिल जो उसमें सेंट्रल रॉड होती है जिसके ऊपर वो टायर फिक्स किया जाता है, एक्सिल के ऊपर ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और तीसरा जो यहाँ पर मोशन हमारे पास है, जिसको दैट इज वेरी फेमिलियर, दैट नोन द वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन जो, जिसको हमने क्या नाम दिया है, दूसरा ऑसिलेटरी मोशन का नाम दिया है, क्या नाम दिया है, ऑसिलेटरी मोशन, मतलब जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी मोशन करे, टू एंड फ्रो मूव कर रहा हो, अप एंड डाउन, मतलब जिसमें मोशन जो है हमारे पास बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट द मेन पोजिशन, ऐसे भी कह सकते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन हो, बैक एंड फोर्थ जो मोशन होती है अबाउट ए मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट ए मीन पोजिशन, मोशन अबाउट ए मीन पोजिशन, अबाउट ए मीन पोजिशन, जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन में कंसीडर करते हैं, या फिर इसको ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। जैसे मोइंग, मोशन ऑफ स्विंग इन चाइल्ड, चाइल्ड जो झूले के अंदर क्या झूल रहा होता है, या मोशन ऑफ, ये तो हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन, जब मतलब बॉडी जो है ये मेन पोजीशन है, इधर इधर गई, वापस इधर आई, फिर इधर गई, फिर इधर आई, मतलब ऐसे वाइब्रेट करती रहेगी, मतलब ये इसकी सेंट्रल पोजीशन है जिसको हम क्या कहते हैं, मेन पोजीशन, जिसकी ओरिजिनल पोजीशन कह लें, उसके अराउंड जो बॉडी क्या करेगी, बार बार मूव करती रहेगी, बैक एंड फोर्थ कह लें, या टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो अलांगे, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अलांगे मेन पोजिशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अलांगे मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन के अराउंड जो बॉडी मूव कर रही हो, तो ये सारी हमारे पास किसमें आती है, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर आती है। और इसका जो हमारे पास एग्जांपल है, मोशन ऑफ चाइल्ड इन स्विंग, मोशन ऑफ चाइल्ड इन, जो हमारे पास बच्चा जो उसमें झूले के अंदर क्या कर रहा है, झूल रहा होता है, तो ये जो आपके पास क्या है, इन स्विंग, स्विंग किसको कहा जाता है, झूले को कहा जाता है। तो ये आपके पास जो डिफरेंट एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको डिफरेंस पूछ सकता है जो पेपर के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो मतलब वो मोशन जो इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट भी हो रही हो, मतलब ऑब्जेक्ट रिपीट इन मोशन इटसेल्फ, मतलब खुद ही खुद ऑब्जेक्ट क्या है, रिपीट कर रहा हो, तो उस टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं, या बॉडी अप एंड डाउन मूव कर रही हो, इसमें ये भी कह सकते हैं अप एंड डाउन, अप एंड डाउन जो मोशन होती है, ये भी हमारे पास किसमें आती है, वाइब्रेटरी मोशन का एक क्या है बड़ा टाइप है। ओके बेटा, थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स विद केलाल खत्री।